Here in this video, I am going to discuss कि ब्रीच एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। इस वीडियो में लव सेट्स मैनूवर एक्सप्लेन करेंगे और दिखाएंगे बर्न्स, मार्शल, मॉरिसियो, स्मेलीविट और मॉडिफाइड प्रेग मैनूवर भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो नाउ लेट अस बिगिन। तो जब ट्विन्स में एक बेबी डिलीवर हो गया, ना द सेकेंड बेबी जो अंदर है यूट्रस में वो ट्रांसवर्स लाई में है, तब हम यूजुअली ब्रीच एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसमें पूरा लिम्स, लोअर लिम्स से लेके अपर लिम्ब और हेड भी हम डिलीवर कराते हैं। नाउ हियर यू सी, वी गो इनसाइड, वी ट्राई टू ग्रेस्प वन एंकल ऑफ द बेबी एंड एंटीरियर लिम्ब एंड वी पुल इट आउट लाइक दैट, गिव अ डाउनवर्ड ट्रैक्शन, नीचे की तरफ खींचते और इस तरह से हमने क्या किया, हमने वो जो ट्रांसवर्स था उसको ब्रीच बना लिया और ये एंटीरियर लिम्ब डिलीवर हो गया। फिर उसको ऐसे ऊपर किया और लोअर लिम्ब को डिलीवर किया। अगर एक्सटेंडेड है तो पिनार्ड्स किया, मतलब पॉपलिटल फोसा पे प्रेस किया और नीज जो बटक जॉइंट को अबडक्ट किया और ये डिलीवर हो गया। फिर हम ऐसे फीमोरो पेल्विक ग्रिप में लेकर और उसको नीचे जो है वो बैक को इंटीरियर करके और नीचे ट्रैक्शन दे रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ये आ गया, जब तक स्कैपुला का लोअर एंड दिख नहीं जाता। अब अगर स्कैपुला का लोअर एंड से ये पता चलता है कि अगर वो पैरेलल नहीं है, स्कैपुला की बॉर्डर पैरेलल नहीं है ना दोनों तरफ की, तो फिर मतलब आर्म्स एक्सटेंडेड है। तो लव सेट्स मैनूवर फॉर एक्सटेंडेड आर्म्स, तो बैक को इंटीरियर रखना है और 180 डिग्री बेबी को ट्विस्ट करना है। तो उससे पेल्विक कर्वेचर ऐसा होता है कि जो पोस्टीरियर शोल्डर जब आगे आता है ना, तो बेबी के फेस पे से ऐसे स्वीप होता है और वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे आ जाता है और वो ऑब्स्टेट्रिशियन के पकड़ में आ जाता है। देन यू डिलीवर इट, फिर से बैक को एंटीरियर रखा, 180 डिग्री घुमाया और ये देखो फेस के ऊपर से स्वीप हुआ और प्यूबिक सिम्फाइसिस के नीचे आ गया, उसको पकड़ के उसको डिलीवर कर दिया। दिस इज लव सेट्स मैनूवर, ओके, फॉर एक्सटेंडेड आर्म्स। नाउ द बेबी, बाकी की बॉडी यू हैव टू गिव डाउनवर्ड ट्रैक्शन, आ गया। अब यहाँ पे जब नेप ऑफ द नेक अगर दिख रही है तब तो बर्न्स मार्शल मेथड से डिलीवरी हो सकती है। तो उसमें क्या है कि बेबी इज अलाउड टू हैंग बाय इट्स ओन वेट टिल द नेप इज विजिबल, यू पुट योर इंडेक्स फिंगर इन बिटवीन द एंकल्स एंड यू मेक वाइड आर्क ऑफ द सर्कल स्वीपिंग अपवर्ड्स, ओके, एंड सुप्रा प्यूबिक प्रेशर हैज टू बी देयर, डोंट पुल, पुश, ओके, दिस इज बर्न्स मार्शल। बट इफ द बेबी का जो डिसेंट है हेड वो इतना नहीं हुआ है तो फिर क्या करना है, फिर मॉरिसियस मेलीविट, उसमें क्या, मिडिल फिंगर मुंह के अंदर और बाकी का हाथ जैसे आपको दिख रहा है जैसे कर रहे हैं ना वैसे, और फिर ऊपर से सुप्रा प्यूबिक प्रेशर भी लगवाना असिस्टेंट से, उससे क्या होगा, ये देखो इस तरह से, और उससे क्या होगा, हेड फ्लेक्स बना रहेगा तो लोअर डायमीटर प्रेजेंट करेगा, है ना, और फिर डाउनवर्ड ट्रैक्शन देना है कॉन्ट्रैक्शन के साथ में और फिर ये बाहर आ गया एंड इस तरह से डिलीवर किया। दिस इज मॉरिसियस मेलीविट असिस्टेड ब्रीच डिलीवरी में। अब तो हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर मान लो ऑक्सीपोड पोस्टीरियरली है फिर कैसे हेड डिलीवर होगा, कौन सा मैनूवर, तो उसके लिए होता है प्रेग मैनूवर। देखो ये ऑक्सीपोड पोस्टीरियरली है तो फिर क्या करते हैं कि फिर बेबी को इस तरह से पकड़ते हैं ताकि उसका हेड फ्लेक्शन में बना रहे, ठीक है। तो ये आपका इंडेक्स फिंगर थंब एक तरफ, बाकी की फिंगर्स एक तरफ और इस तरह से पकड़ा और उससे क्या होगा, उसको ऊपर की तरफ लिया तो उससे क्या होगा, हेड फ्लेक्स बना रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर जैसे बर्न्स मार्शल में किया था ना, एंकल के बीच में फिंगर रख के और अपवर्ड स्वीप मेकिंग वाइड आर्क दिस वे, द हेड इज आउट, सो दिस इज मॉडिफाइड प्रेग।